हेलो दोस्तों, तो बता चुके हैं हम लोग आप लोगों को कि एमपीपीएससी में तीन एक्टों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, 1955, 1989 और 1993। 1955 का है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में बात करना है हम लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और अगले लेक्चर में आने वाले में हम लोग बात करेंगे 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में। पूरा अपडेट बताएंगे आपको, जो 2019 तक जो संशोधन हुआ है सब कुछ बताएंगे उसमें, ठीक है, इन सभी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। याद रखिए, अत्याचार निवारण, यहाँ इस हफ्ते एक बार पिछले शायद एमपीपीएससी में पिछली बार के प्रीवियस के पेपर में आ गया था कि अत्याचार निवारण इस शब्द को पूछ लिया था कि यहाँ क्या है। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत के किसी भी प्रकार के व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के लिए यद्यपि किसी दंड की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु उसके दंड के प्रावधानों के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संसद ने इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित करते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया। किंतु जब इस अधिनियम के द्वारा भी SC/ST वर्गों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो संसद ने अलग से यह अधिनियम पारित किया। संसद द्वारा 11 सितंबर 1989, ये डेट आपको याद रखना है, संसद द्वारा 11 सितंबर 1989 को यह एक्ट पारित किया गया। उसी दिन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और यह अधिनियम बन गया। आपको पहले भी बता चुके कि जब संसद पारित करता है केवल राज्यसभा और लोकसभा तो उसे विधेयक कहते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, अधिनियम बन जाता है विधेयक। तो राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? 11 सितंबर 1989 को। यह एक्ट 30 जनवरी 1989 में पारित हुआ, 11 सितंबर 1989, और 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। इस एक्ट में, इस अधिनियम में 5 अध्याय 23 धाराएं। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 41 के अंतर्गत विशेष विधि के अंतर्गत आता है। कौन सी? याद रखना है आपको, 41 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, पार्ट एक, धाराएं, भाग एक, प्रारंभिक है। भाग एक में धाराएं 1 से 2 हैं इसमें शामिल। भाग दो में अत्याचार के अपराध है, धारा 3 से 9 तक। भाग 3 निष्कासन, इसमें धारा 10 से 13 तक है। भाग 4 में विशेष न्यायालय है, धारा 14 से 15 है। विकीर्ण, इसमें धारा 16 से 23 तक। और आपको बता दें, एक भाग बनाया गया था हमारा अध्याय 4 का, 4 का, तो इनमें पीड़ितों एवं साक्षी के अधिकार से संबंधित था, 15A धारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपको बताएंगे आगे जो भी संशोधन हुआ। तो उद्देश्य की बात कर लेते हैं इसके। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचार और अपराध के निवारण हेतु इसे बनाया गया। इस अपराध के शीघ्र विचारण के लिए इस हेतु विशेष न्यायालय का गठन किया गया। पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं राहत प्रदान करने के लिए भाग एक देखते हैं। भाग एक में है पार्लियामेंट प्रीलिमिनरी, इसमें बात करते हैं धारा 1 अध्याय 1, तो नाम एवं विस्तार और लागू तिथि। तो आपको बता दूं, नाम, इसका नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एक एक शब्द याद रखिए, अत्याचार निवारण लिखा हुआ है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है, एवं उसके सभी राज्य क्षेत्रों में। आपको यहाँ पूरा भारत, पूरे भारत के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया, विशेष राज्य का प्रावधान खत्म कर दिया गया।
तो अब ये पूरे भारत में लागू हुआ, किसी भी राज्य में भेदभाव नहीं रहेगा। ठीक है, लागू होने की तिथि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट की गई है, 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ। अब इसकी धारा दो की बात करते हैं, शब्दों की परिभाषा दी गई। इसमें कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे 2A में, 2A में अत्याचार, इसके अंतर्गत वे सभी अपराध शामिल हैं जो इस अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट दिए गए। 2B में संहिता या कोड, संहिता का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा। 2C में दिया गया है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति शब्दों की परिभाषा करते हुए लिखा गया है कि इनके वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत खंड 24 और 25 में दिए गए। विशेष न्यायालय होगा 2D के तहत, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट, वह कोर्ट जो इस प्रकार के अपराधों के लिए इस अधिनियम की धारा 14 के अंदर गठित है। 2E विशेष लोक अभियोजक, अन्य शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है जिनकी परिभाषा दी गई है, आश्रित, बीवी, आर्थिक बहिष्कार, 2BBC पीड़ित का पति, पत्नी, माता पिता, भाई बहन अथवा ऐसे व्यक्ति जो भरण पोषण के लिए पीड़ित पर आश्रित हो। आर्थिक बहिष्कार, किसी भी प्रकार के कार्य, कारोबार, अक्सर सेवाएं, अवसर सेवाएं आदि। अनन्य विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण अन्य के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय। फिर वन अधिकार, बी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006, हाथ से मैला उठाने वाले तो 2013 का अधिनियम है। इसके तहत लोक सेवक, लोक सेवक का अर्थ है भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 21 में लोक सेवक से लगाया जाएगा। फिर सामाजिक बहिष्कार और पीड़ित, विक्टिम, और 9 में साक्षी, विटनेस। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अध्याय 2 या भाग 2, अत्याचार के अपराध। धारा 3 अत्याचार के अपराध के लिए दंड। धारा 3(1) कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है और किसी ST/SC के सदस्य को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को कोई घृणाजनक या अखाद्य पदार्थ खाने के लिए विवश करेगा, उसके आवास के अंदर या बाहर कूड़ा करकट, पशुओं के सब मलमूत्र या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा, किसी प्रकार से उससे मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने या अपमानित करेगा, उसके शरीर या चेहरे को पोत कर उसे नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा अथवा जूतों की माला अथवा अन्य ऐसा कार्य जो मानव सम्मान के विरुद्ध हो, उस व्यक्ति के कपड़े उतरवाना, मुंडन करवाना, मूछें हटाना आदि। ST/ST के सदस्य के स्वामित्व वाले आवंटित भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा करेगा, डरा धमका कर उस खेत पर खेती करेगा, खरीदेगा, उसे बेगार बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी के लिए व्यस्त करेगा या फुसलाएगा, उसे मतदान ना करने देना या किसी विशेष पक्ष में मतदान करने के लिए व्यवस्था करेगा, किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देना जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को क्षति पहुंचाती है या उसे दुख पहुंच करती है, किसी सार्वजनिक स्थान ST/ST के व्यक्ति को अपमानित करेगा, अभद्र टिप्पणी करेगा या महिलाओं का अनादर करेगा, किसी स्रोत या जलाशय से अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को पानी लेने से रोकेगा या उसके जल स्रोत को दूषित करेगा, अनुसूचित जाति, जाति या जनजाति के व्यक्ति के को अपमान, मकान या गांव निवास छोड़ने के लिए व्यवस्था करेगा, जाति सूचक शब्द से गाली गलौज करेगा, उसके धार्मिक मान्यता वाले स्थल को अपवित्र करेगा। अगर इस तरह के अपराध करता है कोई बिना ST/SC सदस्य और ST/SC के सदस्य के विरोध, तो कम से कम उसे 6 मार और अधिक से अधिक 5 वर्ष के कारावास यथोचित जुर्माना का दंडनीय होगा। फिर धारा 3(2) में कोई व्यक्ति जो ST/SC के सदस्य का सदस्य नहीं है और यदि किसी ST/SC के सदस्य के विरोध ऐसी झूठी गवाही देता है जिससे उसे मृत्युदंड की सजा हो सकती थी, तो झूठी गवाही देने वाले आजीवन कारावास या जुर्माना से दंडित होगा, किंतु उसे मृत्युदंड दिया जा चुका है तो झूठी गवाही देने वाले को मृत्युदंड से दंडनीय होगा। अब बात करते हैं बी, 3B, तो ऐसी झूठी, 3(2B) ऐसी झूठी गवाही जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य को मृत्युदंड तो नहीं किंतु 7 वर्षों से अधिक की सजा हो सकती है, तो गवाही देने वाले को कम से कम 6 माह
और अधिक से अधिक 6 वर्ष एवं जुर्माने की सजा से दंडनीय होगा। फिर 3(2)(c), 3(2)(c) में अग्नि या विस्फोटक द्वारा SC/ST के सदस्यों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो कम से कम 6 से 6 माह और अधिकतम से अधिकतम 7 वर्ष प्लस जुर्माना की सजा से दंडनीय होगा। साथ ही यदि अग्नि या विस्फोटक द्वारा ST/ST के समूह की किसी पूजा स्थल या मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा के किसी सार्वजनिक स्थल को नष्ट करता है, तो उसे आजीवन कारावास प्लस जुर्माना की सजा से दंडनीय होगा। फिर D(2)(3)(2)(d) IPC की धारा अधीन, IPC के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय कोई अपराधी ST/ST के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि लोक सेवा खोते हुए कोई इस धारा के अधीन अपराध करता है, तो उसे कम से कम 1 वर्ष की सजा से दंडनीय होगा। धारा 4 की बात करते हैं, कर्तव्य उपेक्षा दंड। कर्तव्य उपेक्षा पर दंड, कोई लोक सेवक जो SC/ST का सदस्य नहीं है, यदि अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्य निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही करता है या उस उपेक्षा करता है, तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की सजा होगी। 5वीं धारा में पश्चातवर्ती अपराधों पर दंड, यदि कोई व्यक्ति एक बार यह अपराध कर चुका है, दूसरी बार 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 अपराध करेगा, तो इसके बाद प्रत्येक स्थिति में उसका न्यूनतम सजा 1 वर्ष होगी। बात करते हैं धारा 6, भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू होना। इस अधिनियम पर IPCA की 1860 के अध्याय 3, 4, 5 आदि उपबंध भी लागू होंगे। धारा 7 में कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का अधिकरण, यदि कोई व्यक्ति इस अपराध में दोषी सिद्ध होता है, तो इस गठित हेतु विशेष न्यायालय उसकी चल अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश देगा जिसका अपराध में उपयोग किया गया है। धारा 18, अपराध के संबंध में उपधारणा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए अपराधी को कोई वित्तीय सहायता दी, तो निर्दोष साबित होने के पूर्व तक उस व्यक्ति को भी यह अपराधी माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। साथ ही यदि व्यक्तियों के किसी समूह ने किसी भूमि विवाद या किसी अन्य विवाद के कारण अपराध किया है, तो यह माना जाएगा कि अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य से किया गया। फिर है धारा 9, शक्ति प्रदान करना। राज्य सरकार कानून बनाकर इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति या संस्था को नियुक्त कर किसी मामले में व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण, अभियोजन की शक्ति प्रदान कर सकती है। साथ ही राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों को उस अधिकार की सहायता के लिए कह सकती है। भाग 3, अध्याय 3, निष्कासन। धारा 10, संभावित अपराधियों को क्षेत्र से हटाना। विशेष न्यायालय यह कोई अधिकार है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत चिन्हित किए गए अनुसूचित क्षेत्र में अपराध कर सकता है, तो इस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष तक उस क्षेत्र से हट जाने का आदेश दे सकता है। फिर तो धारा 11, यदि व्यक्ति द्वारा क्षेत्र से न हटने या पुनः प्रवेश करने की दशा में प्रावधान, यदि व्यक्ति संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहता है या हटने के बाद पुनः प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार कर सकेगा और अपने द्वारा चिन्हित किसी क्षेत्र में उसे पुलिस अभिरक्षा में भेज सकेगा। फिर है धारा 12, व्यक्ति की माप एवं फोटो लेना। किसी विशेष न्यायालय के निर्देश पर पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के माप फोटो ले सकेंगे जिनके विरुद्ध धारा 10 के अंतर्गत आदेश दिया गया। यदि व्यक्ति इनकार करता है फोटो या देने से, तो IPC की धारा 186 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। किंतु बाद में यदि व्यक्ति न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो उसके माप एवं फोटो नष्ट कर दिए जाएंगे। धारा 13, धारा 10 के आदेश के उल्लंघन पर दंडित, यदि कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के सेक्शन 10 के अंतर्गत दिए गए निर्देश का उल्लंघन करता है, तो वह अधिकतम 1 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर है भाग 4, विशेष न्यायालय। धारा 14, विशेष न्यायालय, 2 प्रकार के न्यायालय, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय जिन जिलों में ST/ST के अपराध संबंधित कम मामले दर्ज किए जाते हैं, वहाँ विशेष न्यायालय गठित किए जाते हैं। अनन्य विशेष न्यायालय अपराधों में शीघ्र विचारण हेतु स्थापित किए जाते हैं, जो एक या एक से अधिक जिलों के लिए एक हो सकते हैं। दोनों के गठन में का अधिकार राज्य सरकार को है, किंतु उसके लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी है। इन न्यायालयों में सेशन जज,
अथवा अपर सत्र न्यायाधीश अपराधों का परीक्षण करेगा। ये न्यायालय स्वतः संज्ञान के अधीन अधिनियम के अधीन से अपराध का विचारण कर सकते हैं। इन न्यायालयों की कार्यवाही यथासंभव प्रतिदिन के आधार पर होगी। यह न्यायालय यथासंभव 2 माह के भीतर प्रकरण को सुलझाने का कार्य करते हैं। न्यायालय प्राइवेट परिवारवाद भी ग्रहण कर सकते हैं। धारा 14(1) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में की जाएगी। जमानत के मंजूर या नामंजूर करने के निर्णय विरुद्ध भी अपील हाईकोर्ट में ही की जाएगी, लेकिन इस प्रकार की अपीलें निर्णय 90 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा कि प्रत्येक अपील का निपटारा भी यथासंभव 3 महीने के भीतर हो। नोट, विशेष न्यायालय का सत्र दर्जा सत्र न्यायालय को ही जाता है। आपको बताया था कि एक अध्याय और जोड़ा गया था, कौन सा ये जोड़ा गया था अपना, अध्याय 4(1) जोड़ा 4 का, जिसमें पीड़ितों एवं साक्षी के अधिकार जोड़े गए। ये 4 मार्च 2014 को, याद रखना 4 मार्च 2014 को जोड़ा गया। इसमें धारा 15(a) जोड़ी गई, पीड़ित एवं साक्षी के अधिकार राज्य सरकार तय करेगी। तो याद रखना है अध्याय 4 का जोड़ा गया है, ये 4 मार्च 2014 को जोड़ा गया। इसमें 15(a) धारा जोड़ी गई जिसमें पीड़ित व साक्षियों के साक्षी के अधिकार शामिल है, राज्य सरकार करेगी तय। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं धारा 15 में। ठीक है, विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक एवं अनन्य लोक अभियोजक राज्य सरकार के विशेष प्रत्येक विशेष न्यायालय के अधिसूचना द्वारा विशेष लोक अभियोजक एवं अनन्य विशेष न्यायालयों के लिए अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी करेगा, किंतु ऐसे अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव होगा। देखिए दिया गया है भाग 4(a) विक्टिम एंड विटनेस, भाग 4(a) में जोड़ा गया है 15(a). इस भाग को 4 मार्च 2014 को एक अध्यादेश के रूप में शामिल किया है। पीड़ित और साक्षी के अधिकार, राज्य सरकार यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित एवं साक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था करे। राज्य विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या साक्षियों के साथ संरक्षण की जानकारी देगा। विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत का तुरंत निराकरण करेगा। पीड़ित या साक्षी एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं से मदद ले सकते हैं। भाग 5 अंतिम पिकीड, धारा 16 सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की 1955 की धारा 10(k) के अंतर्गत आने वाले सामूहिक जुर्माना लगाने, उसे वसूल करने की सभी उपबंध इस एक्ट पर लागू होंगे। धारा 17 विधि एवं विधायी तंत्र द्वारा निवारण कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट DSP स्तर का पुलिस अधिकारी पर्याप्त अपराधों पर किसी भी क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकता है, वह शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर सकता है। धारा 18 अधिनियम के अधीन अपराधियों पर IPC की धारा 438 का लागू न होना। आपको बता दूं अभी 2018 में एक केस हुआ, केस क्या था, अपील थी 416 के अंतर्गत डॉक्टर सुभाष काशीराम काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो डॉक्टर काशीराम नाथ ने, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ ने कोई याचिका डाली होगी, उस पर फैसला आया 20 मार्च 2018 को। तो इसमें जमानत मंजूर हो गई थी, जमानत देने के प्रावधान लागू हो गया था, 438 लागू हो गई थी। तो फिर बवाल उठा, धरना प्रदर्शन हुए, और 2018 में ही लोकसभा में पेश किया गया एक अधिनियम, एक विधेयक लोकसभा में आया 6 अगस्त 2018 को, राज्यसभा में 9 अगस्त 2018 को पास हुआ, राष्ट्रपति ने 17 अगस्त 2018 को मंजूरी दे दी और लागू हो गया 20 अगस्त 2018 से। तो इसमें 18(a)(18)(k) धारा जोड़ी गई, 18(a), उसमें दिया गया है अधिनियम के अधीन अपराधियों पर IPC की धारा 438 का लागू ना होना, जैसी की तैसी बदल दी गई है। लेकिन अगर पूछा जाता है, आता है कि 18(a) धारा दी गई, तो आपको 18(a) याद रखना। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पूर्वक जमानत के द्वारा
प्रावधान किस अधिनियम पर लागू होते हैं? यह अपराध गैर जमानती अपराध होगा होगा साथ ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में। यदि एक्ट में अत्याचार अपराध से संबंधित किसी शब्द की परिभाषा नहीं है तो उसकी वही परिभाषा होगी जो भारतीय दंड संहिता की 1860 की 60 में दी गई है। अब बात करते हैं धारा 19 की। दोषी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 360 और अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 के उपबंधों का लागू ना होना। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए दोषी पाए गए 18 से वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पर संहिता की धारा 360 के प्रावधान अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। धारा 20 अधिनियम का अन्य कानूनी कानूनों पर प्रभावी होना। इस अधिनियम के प्रावधान अन्य किसी विधि प्रथा रूढ़ी या अन्य किसी ऐसे कानून के आधार पर जो कि इसके विपरीत होने पर भी इस एक्ट के प्रावधान प्रभावशाली होंगे। धारा 21 राज्य सरकार का अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है, जैसे पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, उसके आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास का प्रावधान, उसकी उसके यात्रा भरण पोषण आदि संबंध में अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसी के साथ केंद्रीय सरकार विधि व संसद के दोनों सदनों में इस संबंध के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। धारा 22 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण। यह धारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य के संबंध में संरक्षण प्रदान करती है, अर्थात कोई ऐसे कार्रवाई जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधिकारी द्वारा सद्भावना के आधार पर की जाती है तो उसे उस कोई कानून कार्रवाई नहीं करेगा। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों पर लागू करने के लिए नियम बना सकेगी। उस नियम को बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में कुल 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध। अनुसूचित जाति, यह एक राजनीतिक सामाजिक शब्दावली है जिसका प्रयोग पहली बार साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसकी परिभाषा दी गई है। शब्द से तात्पर्य उन लोगों से जो अतीत में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से बाहर थे। भारत के संविधान अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति से तात्पर्य ऐसी जातियों या जनजातियों या उसके भाग से जिन्हें अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी जाति जनजाति प्रजाति या उसके किसी एक भाग को अनुसूचित जाति घोषित कर दे। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 में स्थान प्राप्त समुदायों को अनुसूचित जनजाति कहा गया। अनुच्छेद 342 के अनुरूप राष्ट्रपति को अधिकार है किसी जनजाति या प्रजाति उसके किसी विभाग को अनुसूचित जनजाति घोषित कर दे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग के बारे में। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 389 अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 1989 में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था जिसके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ 5 अंशकालीन सदस्य थे, किंतु 1989 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग के अलग अलग कर दिया गया दोनों को। इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां दे दी गई। अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष पीएन पुनिया, जनजाति आयोग के रामेश्वर उराव और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के एन राव थे। लेकिन अभी करंट में बता दें आपको एसटी के अध्यक्ष हैं अभी आपको अनुसूचित जाति के डॉक्टर राम शंकर कठेरिया। और याद रखना एसटी के वर्तमान में 2019 में अध्यक्ष हैं नंद कुमार साय। ठीक, याद रखिए। तो ये था हमारा 1989 का। ठीक, अब बात करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में। ठीक है।